हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी मटर पनीर। मटर पनीर सभी की फेवरेट होती है और सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी उन सभी के लिए डेडिकेटेड है जिनको मटर पनीर बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर हमारे जो प्याज टमाटर है उसको रफली चॉप करके रेडी रखा है। अब हम इसकी ग्रेवी के लिए तैयार करेंगे। तो मैंने ग्राइंडर जार में थोड़ा सा अदरक लिया है और थोड़ा सा लहसुन, और हम प्याज लेंगे। प्याज मैंने यहाँ दो प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के। अब हम इसका स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ प्याज और टमाटर दोनों का पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। कढ़ाई को हम गर्म करने रखेंगे, उसमें डालेंगे ऑयल। तो मैंने यहाँ मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है, आप अपनी फेवरेट किसी भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आपका ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा, अब हम इसमें हमारे खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ दालचीनी, तेजपत्ता, बड़ी वाली इलायची, थोड़ा सा लौंग, काली मिर्ची और राई और जीरे का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो इसमें से कुछ भी स्किप कर सकते हो अगर आपको पसंद नहीं है तो। जब आपके मसाले अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। अगर आप लोगों को खड़े मसाले पसंद नहीं है तो इस स्टेज पे आप उसे स्किप भी कर सकते हैं, यानी कि उसमें से निकाल सकते हैं। उससे क्या होगा ना, आपका जो टेस्ट है वो बरकरार रहेगा, लेकिन आपके मुँह में खड़े मसाले नहीं आएंगे, क्योंकि जो मसाले हैं वो ऑयल में उसका अपना फ्रेग्रेंस छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी जो प्याज है वो अच्छे से फ्राई करेंगे हम, हल्का हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। उसके बाद हमने जो फ्रेश टमाटो प्यूरी बना के तैयार की थी, अब हम उसमें ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ टमाटो प्यूरी के साथ में ग्रीन चिलीज को बिल्कुल भी जो है ग्राइंड नहीं किया है, हम उसे चॉप करके ही ऐड करने वाले हैं। टमाटर को हम अच्छे से प्याज के साथ भुनेंगे, देखेंगे कि बहुत अच्छे से जो है ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। जैसे इसमें धीरे धीरे करके बबल्स आने लगेंगे, हम इसमें हमारे स्पाइसेस डालेंगे, यानी कि मसाले डालेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे जो मसाला, वो ग्रेवी है, वो भुन के तैयार है। अब मैंने इसमें एक चम्मच लाल मिर्ची, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर और एक चम्मच नमक ऐड किया है। आप चाहो तो मसाले अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। जो मसाले आपको कम खाते हैं उसे आप कम यूज़ कीजिए, जो ज़्यादा खाते हैं उसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स हमें बहुत अच्छे से करना है ताकि जो हमारे मसाले हैं वो ग्रेवी में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। देखेंगे अब थोड़ी देर में कि बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और अब धीरे धीरे करके इसमें बबल्स आने लगे हैं, यानी कि धीरे धीरे करके बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। तो जब हमें इसे धीरे धीरे बॉयलिंग में लगाएंगे तो एक एक बार बीच में जरूर चलाएंगे। उससे क्या होगा ना, आपके मसाले बिल्कुल भी जलेंगे नहीं और बहुत अच्छी आपको मटर पनीर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे मसाले बॉयल हो चुके हैं। अब आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर ग्रीन चिलीज़ को ऐड कर दिया है, जो मैंने काट करके रेडी रखी थी। तो मैंने यहाँ पर ग्रीन चिलीज़ को कट करके ऐड किया है। गैस को आप स्लो कर लीजिए, उसके बाद ग्रीन चिलीज़ को ऐड कीजिएगा। उससे क्या होगा ना, बहुत अच्छा आपको टेस्ट मिलेगा बहुत। तो फ्रेंड्स, हमारी ग्रेवी बनके बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। दूध का यूज़ मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पानी का यूज़ नहीं करना था। बहुत अच्छी आपकी ग्रेवी बनेगी जब आप इसमें दूध का इस्तेमाल करोगे। अगर आप दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो आप इसमें मलाई का इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर आता है, आपकी मटर पनीर डेली की मटर पनीर से ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए दूध डालकर या मलाई डालकर। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसको तब तक चलाना है जब तक हमारा दूध है जो अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता, क्योंकि अगर आप दूध को ऐसे ही छोड़ दोगे तो फट भी सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि दूध डालने के बाद इसे लगातार चला सकें। तो आप देख सकते हैं अभी हमारा जो दूध है वो अच्छे से पक चुका है, यानी कि इसमें बॉइलिंग आना स्टार्ट हो चुकी है। तो अब मैं इसमें मटर ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पर सफल मटर का यूज़ किया है, आप चाहो तो फ्रेश मटर का भी यूज़ कर सकते हो। जो सफल मटर होती है वो ऑलरेडी बॉइल्ड होती है, तो उसको ज़्यादा देर जो है बॉइल नहीं करना पड़ता, बस थोड़ा सा पानी में सोख करके आप इसमें डाल दीजिए। अगर आप फ्रेश मटर का यूज़ कर रहे हैं तो इसमें ग्रेवी में जो है आप थोड़ा सा पानी और ऐड कर दीजिए, उसके बाद अपनी मटर को पका लीजिए, उसके बाद आप इसमें पनीर ऐड कीजिएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो फ्रेंड्स, मैंने सारी मटर को यहाँ अच्छे से ग्रेवी में मिक्स कर दिया है। अब हम इसे बॉइल करने के लिए रख देंगे। तो मैंने यहाँ इसे करीब 1 से 2 मिनट के लिए बॉइल होने रखा है। तो फ्रेंड्स, 2 मिनट यहाँ पर हो चुकी हैं। अब मैं ढक्कन को हटाऊंगी और इस ग्रेवी को अच्छे से चलाऊंगी। अब देखेंगे कि जो हमारी मटर है वो कुक हो चुकी है, यानी कि मटर जो हमारी रेडी है। अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, पनीर ऐड करने से पहले एक बार आप मटर को चेक कर लीजिए कि कहीं वो कच्ची तो नहीं रह गई है। अगर वो अच्छे से कुक हो गई है तो उसके बाद हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। तो मेरी मटर यहाँ पर ऑलरेडी पक चुकी थी, अब मैं धीरे धीरे करके इसमें पनीर ऐड करूँगी। तो मैंने यहाँ करीब 250 से 300 ग्राम पनीर का यूज़ किया है,
और अब हम इसे पनीर को ग्रेवी में ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पनीर को थोड़ी देर पानी के लिए सोक करने के लिए रख दिया था। आप चाहो तो यहाँ फ्राई पनीर का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि पनीर को हल्का हल्का सा फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ कच्चे पनीर का यूज़ किया है, उससे क्या होगा ना, आपको पनीर के जो जितने भी पोषण है, जितनी भी टेस्टीनेस है, वो बहुत प्रॉपर मिलेगी और बहुत अच्छी लगेगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी आपको मटर पनीर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर पनीर को अच्छे से डाल दिया है, ग्रेवी में अच्छे से चला दिया है। अब हम इसे ढक देंगे। ढकने के बाद इसे करीब 3 से 4 मिनट हमें पकने देना है। उससे क्या होगा ना, आपका जो पनीर है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और मसाले उसमें अच्छे से सोख हो जाएंगे। हमारा जो पनीर है वो थोड़ा सा साइज़ में डबल हो जाएगा, यानी कि अच्छा थोड़ा सा फूल जाएगा। तो मैंने यहाँ ढक्कन हटा के उसे एक बार अच्छे से चला दिया है। आप देखेंगे जो हमारा पनीर है ना, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। तो हमारा जो पनीर है ना, उसने ग्रेवी को बहुत अच्छे से जो है एब्जॉर्ब कर लिया है। उसका जो टेस्ट है ना, बहुत अच्छा आने वाला है। और हम इसे 1 मिनट के लिए खोलकर ऐसे ही कुक करने वाले हैं। तो हमने अब गैस को करेंगे ऑफ, क्योंकि हमारा जो मटर पनीर है वो बन करके बिल्कुल रेडी है। 1 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे, यानी कि हल्का सा उसे ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे सर्विंग के लिए निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, मटर पनीर हमारा बिल्कुल रेडी है, अब मैं इसे सर्विंग के लिए निकालने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसको एक बाउल में निकाल दिया है। अब आप देखेंगे मटर पनीर बहुत ही ज़्यादा जूसी बना है। अब मैं इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर ऐड करूँगी, यानी कि धनिया पत्ती। अब हम इसमें लगाएंगे थोड़ी सी प्याज के रिंग्स, यानी कि ऑनियन रिंग्स। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, अब इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गाइस, मटर पनीर जो है हमारा बन करके बिल्कुल रेडी है। इसको बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।